देश भर में राज्यसभा की 55 सीटों पर चुनाव होना है। हरियाणा में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए होने वाले चुनाव के लिए सभी ने कोटिया फिट करनी शुरू कर दी है। प्रदेश में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए नियमित और 1 सीट के लिए उपचुनाव होंगे। इन्हें एक साथ नहीं करवाया जा सकता। वीरेंद्र सिंह का राज्यसभा की सदस्यता से त्याग पत्र स्वीकार हो चुका है। उनका कार्यकाल अगस्त 2022 तक था, लिहाजा इस खाली सीट पर भी उपचुनाव होगा। हरियाणा की 5 सीटों में फिलहाल कांग्रेस की कुमारी सैलजा के अलावा भाजपा के डीपी वत्स और निर्दलीय डॉक्टर सुभाष चंद्रा राज्यसभा में हैं। प्रदेश में 2 राज्यसभा सीटों के लिए उपचुनाव साल 2014 में हुआ था। उस समय वीरेंद्र सिंह ने कांग्रेस से त्याग पत्र देकर भाजपा ज्वाइन कर ली थी। इनेलो नेता रणवीर सिंह गंगवा ने भाजपा की टिकट से विधानसभा चुनाव में मिली जीत के बाद राज्यसभा की सीट छोड़ दी थी। विधायकों की संख्या के आधार पर राज्यसभा की 1 सीट के लिए होने वाले उपचुनाव में भाजपा जजपा गठबंधन के उम्मीदवार की जीत तय है। 2 सीटों के लिए चुनाव में 1 सीट गठबंधन में जेजेपी और 1 सीट कांग्रेस के हिस्से में जाने की संभावना है। इन दोनों खाली सीटों के लिए कार्यकाल क्योंकि 1 साल से ज्यादा बचा हुआ था, इसलिए इन पर उपचुनाव कराया गया था। इसमें वीरेंद्र सिंह और तत्कालीन रेल मंत्री सुरेश प्रभु भाजपा टिकट पर निर्वाचित हुए थे। फरवरी 2014 में इनेलो की टिकट पर राज्यसभा पहुंचे रामकुमार कश्यप ने पिछले दिनों राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। वो इंद्री से भाजपा की टिकट पर विधायक चुने गए थे। उनका कार्यकाल लगभग पूरा होने वाला था, जिस कारण कश्यप की खाली राज्यसभा की सीट पर नियमित चुनाव होगा। फरवरी 2014 में ही कांग्रेस की कुमारी सैलजा राज्यसभा सदस्य बनी थी। उनका कार्यकाल 9 अप्रैल 2020 तक है। हरियाणा की 3 राज्यसभा सीटों के चुनाव में 1 सीट कांग्रेस के खाते में भी जा सकती है। कांग्रेस में भी इस 1 सीट के लिए एक अनार 100 बीमार वाली कहावत सही जच रही है। कांग्रेस में बड़ा महाभारत होने के प्रबल आसार इसलिए नजर आ रहे हैं क्योंकि पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी सैलजा एक बार फिर हरियाणा से ही राज्यसभा की सांसद बनने की चाहत रखती है। वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी है। नेता प्रतिपक्ष और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने बेटे पूर्व सांसद दीपेंद्र हुड्डा को राज्यसभा के जरिए बड़ा प्लेटफॉर्म देने की ख्वाहिश रखते हैं। पूर्व मंत्री रणदीप सुरजेवाला पार्टी में बड़ी भूमिका निभाने के लिए राज्यसभा का सांसद बनने का प्रयास कर सकते हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व में उनकी पकड़ मजबूत होने का फायदा मिल सकता है। 3 में से 2 सीटों पर सत्तारूढ़ बीजेपी जेजेपी गठबंधन के प्रत्याशी आसानी से जीत जाएंगे। इस 1 सीट को लेकर कांग्रेस में 3 दावेदार ताल ठोक रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री सैलजा बड़े सियासी रसूख को हासिल कर गई है। प्रदेश कांग्रेस में अपनी पैठ बनाए रखने के लिए वो हरियाणा से ही राज्यसभा सांसद बनना चाहती है। अगर वो हरियाणा से बाहर किसी कांग्रेस शासित जाकर सांसद बनेगी तो प्रदेश कांग्रेस में उनकी पैठ कम हो जाएगी, इसलिए वो अपनी मौजूदा सीट पर ही सांसद बनना चाहती है। गांधी परिवार के साथ बेहद करीबी रिश्ता होने के कारण टिकट हासिल करना उनके लिए मुश्किल भी नहीं होगा। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने बेटे पूर्व सांसद उपेंद्र हुड्डा को हरियाणा से ही राज्यसभा सांसद बनाने की ख्वाहिश रखते हैं। भूपेंद्र हुड्डा अपने सियासी विरासत को धीरे धीरे दीपेंद्र हुड्डा की तरफ बढ़ा रहे हैं। विभिन्न अदालतों में चल रहे कुछ केसों के चलते हुए दीपेंद्र हुड्डा के कदम प्रदेश की सियासत में उत्तराधिकारी के रूप में मजबूती से जमाना चाहते हैं। प्रदेश कांग्रेस में बड़ा रुतबा हासिल करने के लिए दीपेंद्र हुड्डा का हरियाणा से ही राज्यसभा सांसद बनना बेहद जरूरी है, इसलिए वो दीपेंद्र हुड्डा के लिए टिकट हासिल करने की पूरी कोशिश करेंगे। हुड्डा और कुमारी सैलजा की जोड़ी अभी तक बेहतर तालमेल के साथ प्रदेश कांग्रेस का कामकाज देख रही है। उनकी अगुवाई में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को उम्मीद से ज्यादा सीटें भी हासिल हुई। दोनों ही नेता अपनी जुगलबंदी को लंबे समय तक कायम रखना चाहते हैं, लेकिन राज्यसभा का मसला दोनों ही नेताओं के बीच मतभेदों को बढ़ा सकता है। आपको बता दूं कि राज्यसभा चुनाव की अधिसूचना जारी हो चुकी है। 26 मार्च 2020 को होगा राज्यसभा की सीटों के लिए चुनाव। अब आने वाले दिनों में देखा जाएगा कि राज्यसभा सीट किसके हाथ लगती है। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ सिटी बिग न्यूज पर। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट, सिटी बिग न्यूज ब्यूरो हिसार।